लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। आप लोग चाहते हैं कि आप हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कि विकास के काम करे। श्रुति, हर एक वर्ग परेशान है इस सरकार में। चले नेताजी वोट मांगने के सफर में हम पहुंचे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र। 2019 लोकसभा चुनावों में हरियाणा का चुनावी मौसम भी खूब उफान पर है। जाट और यादव मतदाताओं के प्रभाव वाली हरियाणा की भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट यूं तो बेहद खास है। हालांकि भिवानी की बात करें तो देश को कई बेहतरीन खिलाड़ी देने के साथ साथ इसका जिक्र आईने अकबरी में भी है। कहा तो ये भी जाता है कि ये नगर राजपूत राजा नीम ने अपनी रानी भानी के नाम पर बसाया था और धीरे धीरे इसका नाम भ्याणी और बाद में भिवानी पड़ गया। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारे। तो हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके चौधरी बंसीलाल और साथ ही मुक्केबाजी का खेल, ये 2 बड़ी ऐसी खासियतें हैं जिसकी वजह से भिवानी राष्ट्रीय फलक पर छाया रहा। हालांकि कुछ लोगों का कहना तो ये भी है कि दरअसल यहाँ पर माँ भिवानी के चरण पड़े थे जिसके बाद यहाँ का नाम भिवानी पड़ा और आज हम पहुंचे हैं भिवानी महेंद्रगढ़ में। जी हाँ, बात आज हम इसी की करेंगे क्योंकि चुनावी मौसम है, चुनावी दौर है, ऐसे में काफी जो हलचलें हैं वो भी तेज हो गई हैं। हालांकि बात यहां पर अगर भिवानी की जाए तो 3-3 मुख्यमंत्रियों की जन्मस्थली भिवानी रहा है। पहला चौधरी बंसीलाल, दूसरा बनारसीदास गुप्ता और तीसरे हुकुमचंद। हालांकि जो राजनीतिक तौर पर पहचान है वो चौधरी बंसीलाल के परिवार से ही मिल पाई भिवानी को। तो इस बार की अगर बात की जाए तो चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी को कांग्रेस ने टिकट दिया है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से। हालांकि अगर हम थोड़ा पीछे जाए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के बारे में जाने, क्योंकि जाट और यादव बहुल्य ये सीट मानी जाती है, जहां पर भिवानी में जाट मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, तो वहीं महेंद्रगढ़ की अगर बात की जाए तो यादव मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन बात अगर 2008 से पहले की जाए तो भिवानी और महेंद्रगढ़ दोनों अलग अलग लोकसभा सीटें हुआ करती थी। हालांकि 2008 में हुए परिसीमन के बाद कई क्षेत्रों को अलग अलग जरूर कर दिया गया और जो बाकी बचे क्षेत्र थे उन्हें मिलाकर बनी ये नई सीट भिवानी महेंद्रगढ़ सीट। और 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में ये सीट यानी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट जो थी वो वजूद में आई और अब 2019 यानी लोकसभा चुनाव में यहाँ से चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से खड़ी हैं और उनके सामने बीजेपी की तरफ से धर्मवीर सिंह है। जी हाँ, ये वही धर्मवीर सिंह है जिन्होंने 2014 में श्रुति चौधरी को हरा दिया था। लेकिन 2009 की अगर बात की जाए तो श्रुति चौधरी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब बात 2019 की जाए तो किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार, ये तो आप सब जनता ने ही तय करना है। लेकिन आज जब हम मिलने जा रहे हैं श्रुति चौधरी से तो उनसे हम जानेंगे कि आखिर उनका शेड्यूल क्या कुछ रहता है, पूरे दिन की शुरुआत वो किस तरीके से करती है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात उनका पूरा क्या शेड्यूल रहता है और किस तरीके से वो मौजूदा दौर की राजनीति को देखती है। और भिवानी महेंद्रगढ़ की अगर बात की जाए तो क्या उनका मुख्य मकसद, क्या उद्देश्य है, किस तरीके के विकास वो चाहती हैं जो कि मानती हैं कि पिछले 5 सालों में नहीं हो पाया। तो चलिए मेरे साथ आज हम उन्हीं से मुलाकात करवाते हैं आपकी भी। विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए अब उनकी पोती श्रुति चौधरी ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है।
भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी श्रुति चौधरी के अब तक के सियासी सफर और चुनाव में उनके एजेंडों को जानने के लिए ही जनता टीवी भी पहुंचा उनके साथ उनके चुनावी सफर में। चुनावी मौसम है और ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव में, जी हाँ, हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी श्रुति चौधरी जी आज हमारे साथ रहेंगी और उनसे आज हम जानेंगे बहुत सारी बातें, उनके करियर की शुरुआत से लेकर राजनीतिक सफर से लेकर अब तक उनका किस तरीके से वो अपने काम को देखते आई हैं और इस बार वो भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और किस तरीके का उनका आगे पूरा जो कारवां है वो चलेगा, किस तरीके की सोच अब वो रखती हैं विकास को लेकर और पिछले 5 सालों में क्या नहीं ऐसा हुआ है भिवानी महेंद्रगढ़ में विकास का काम, वो जो चाहती हैं कि इस बार अगर वो जीतती हैं तो इस बार वो काम जरूर करें और उन्हीं से आज हम जानते हैं क्योंकि सफर की शुरुआत आज हम उनके साथ करने वाले हैं, पूरा दिन आज उनके साथ बिताएंगे और जानेंगे कि अपना जो बिजी शेड्यूल है उसमें वो क्या कुछ करती हैं और किस तरीके से पूरी एनर्जेटिक वो रहती हैं, जिनका उनका स्वभाव भी है, हम जब उनसे मिले हैं उनसे बात की है तो काफ़ी दिलचस्प वो ऐसी शख्सियत हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्रुति चौधरी जी आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है, जनता टीवी को दिया है। मैम, सबसे पहले क्योंकि शुरुआत हम करें आपके साथ सफर की, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे किस तरीके से आप अपना पूरा दिन शेड्यूल करती हैं और क्या कुछ काम रहते हैं, सुबह से ही आप कार्यकर्ताओं से मुलाकात करती हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल आपका रहता होगा मैम। बिल्कुल, अपना गाँव लगे रहते हैं सुबह से लेके रात ढलने तक, शाम जब होती है, और उसके बाद फिर शहर में और लोग आते हैं घर पर, तो काफ़ी लंबे आवर्स रहते हैं जी। बहुत मुश्किल भी होती होगी, कभी ऐसा लगता होगा कि अब काफ़ी काम भी करना है और ऐसे काम जो कि जनता के लिए हैं, क्योंकि शुरू से आपके पूरे परिवार की अगर बात की जाए पूरा समर्पित रहा है हरियाणा की राजनीति के लिए, लोगों के हित के लिए, चौधरी बंसीलाल की अगर बात की जाए तो किसानों के लिए उन्होंने जिस तरीके से काम किया, आपके खुद के जो पिता हैं स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जी, उन्होंने इतना काम किया है, तो मैम किस तरीके से आप देखती हैं किसानों को लेकर आपका क्या कुछ आगे का रोड मैप रहने वाला है कि किसानों के लिए मैंने ये तो करके ही रहना है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आखिरी फैसला भी जो चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का था वो कंप्यूटराइज, उन्होंने फैसला किया कि कंप्यूटराइज लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होंगे, जिसका आज फ़ायदा तमाम हमारे किसान बुज़ुर्गों को है, भाइयों को है, और वही बात उसको आगे बढ़ाएंगे। आप कांग्रेस पार्टी ने हमेशा काम किया है, चौधरी बंसीलाल ने हमेशा किसानों के लिए काम किया है, और जहाँ जहाँ डार्क जोन हो गया है, जहाँ जहाँ दिक्कत है पानी की, और वहाँ पे स्लैब प्रणाली लागू करी, इसके अलावा आने वाले समय में हमेशा किसान के साथ खड़े रहने का काम हमेशा जैसे किया है वो भी करेंगे। किसानों का जो लोन है, जैसे जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में माफ़ होगा किसानों का कर्ज़ा, जिस प्रकार से बाकी स्टेट्स में भी जहाँ कांग्रेस है वहाँ पे हुआ है, और तो ये सारी चीज़ें, सारा किसान हितेशी पॉलिसीज़ जो हमारी रहेंगी, किसानों के लिए बजट बनेगा, जैसे रेलवे बजट अलग होता है, तो मालूम है लोगों को कि हमेशा किसानों के हित के लिए हमेशा लड़ी है और लड़ते आएंगे। बिल्कुल, हालांकि एक खास बात और है, क्योंकि काफ़ी लोगों का सोचना है कि हमारी जो जीवन शैली होती है और बाकी जो नेताओं की जीवन शैली होती है वो किस तरीके की होती है। मैम, सबसे पहले क्योंकि आप सुबह की शुरुआत कर रही हैं, कार्यकर्ताओं से आप मुलाकात की है, ये भी जानना चाहेंगे शुरुआत आप किस तरीके से करती हैं, काफ़ी एनर्जेटिक रहती हैं, अभी आप सुबह के वक्त आप एकदम निकल रही हैं और प्रचार प्रसार के लिए, तो किस तरीके का शेड्यूल आपका रहता है, सुबह सुबह आपको उठना पड़ता होगा? जी बिल्कुल, और जैसे हर रोज़ इट्स अ नॉर्मल डे, अपने उठ के अपना ब्रेकफास्ट लेके अपना धन्यवाद भगवान का करके और अपना प्रभु का नाम लेके लोगों में निकलते हैं जी। चलिए, तो श्रुति चौधरी जी से और भी कई खास बातें होंगी राजनीतिक सफर को लेकर, राजनीति से लेकर और किस तरीके से प्रचार प्रसार उनका रहता है उससे लेकर, वो भी हम बात करेंगे। चलिए, उन्हीं के साथ उनके सफर पे निकलते हैं हम। Thank you.
जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, श्रुति चौधरी जी के साथ अब उनका जो सफर है वो आगे बढ़ रहा है और पूरा दिन काफी हेक्टिक रहता है। अभी भी वो लोगों से मिल रही थी और काफी बिजी शेड्यूल उनका रहता है। उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है, जनता टीवी के लिए उन्होंने निकाला है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से मैम। मैम, क्योंकि लोगों की जनसभाओं में मैं देख रही हूँ, इतना सा वक्त आपके पास शायद सांस लेने तक का नहीं रहता होगा, बहुत ज्यादा होता होगा। हालांकि 2009 में जब आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी तो काफी कुछ आपके मन में रहा होगा कि मैंने अपने क्षेत्र के लिए ये करना है, वो करना है। मैम, तब से लेकर अब तक के सफर को आप किस तरीके से देखती हैं? हालांकि 2014 की स्थिति अब तब से लेकर अब तक की भी हम बात करेंगे। आप किसे सबसे पहले आप मानती हैं कि ये मेरे गुरु हैं और इन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर मैं आगे बढ़ूं? क्योंकि आपके पिता की अगर बात की जाए तो अपने पिता चौधरी बंसीलाल जी को वो हमेशा अपना गुरु मानते थे और उन्हीं के सिखाए काम को उन्होंने आगे बढ़ाया है। मैम, आप किसे अपना गुरु मानती हैं? मैं डेफिनेटली अपने पिता का के वर्किंग स्टाइल से, जिस प्रकार से वो काम करते थे, बहुत प्रभावित हूँ। ऑफ़ कोर्स चौधरी बंसीलाल जी हमेशा एक मिसाल के रूप में, एक मार्गदर्शन मुझे ही नहीं पूरे प्रदेश को देते हैं। हमेशा उनको याद रखा जाएगा, उनका योगदान जो रहा है हरियाणा के प्रोग्रेस में, प्रगति में। और मैं प्रेरणा अपने सबसे सीखने को मिलता है जी। और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का जो, जैसे मैंने कहा कि दिल से जुड़े हुए थे लोगों के साथ, एक आज भी उनको 14 साल हो गए हैं, वो नहीं है, लेकिन लोग आज भी भावुक हो जाते हैं उनका जब नाम आ जाता है, क्योंकि उन्होंने राजनीति से हटके उठ के काम किया। केवल एक वोट का नाता नहीं था लोगों के साथ, एक आत्मा के साथ लगाव था। और इस प्रकार से उन्होंने काम किया कि लोगों की, उन्होंने परिश्रम किया कि ज़िंदगी लोगों की बेहतर हो। तो और ये हमेशा उनके दिल में एक दर्द रहता था गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, अपने वर्कर के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए मैं कर सकूं। कोई रुचि नहीं ली हमारे क्षेत्र के अंदर, और जो जो प्रोजेक्ट्स मेरे टाइम पे शुरू मैंने करवाए थे और वो उनका पैसा भी आ चुका था, बजट पास हो गया था, वो भी लंबित पड़ा हुआ है। तो आया हुआ बजट भी इस्तेमाल नहीं किया बीजेपी ने। तो इससे और खराब बात और क्या हो सकती है कि पास किया हुआ बजट वो लोगों में नहीं लगाया। लेकिन एनसीआर क्षेत्र होने के बावजूद भी आपको लगता है, क्योंकि आपने जो नींव, जो माइलस्टोन यहाँ पर रचा था, जो गढ़ा था, उसके बावजूद भी जो आप चाहती थी वो यहाँ पर काम नहीं हो पाया, जो कि बतौर सांसद धर्मवीर सिंह कर सकते थे? बिल्कुल, उन्होंने रुचि नहीं ली और जैसे अब क्षेत्र को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यही वजह है कि पहले ही उन्होंने हार मान ली, पहले ही उन्होंने बोला कि मैं नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी अगर चाहती है तो ठीक है। फिर बिल्कुल बेमन लड़ रहे हैं जी। और जिस की रुचि ही नहीं है काम करने की, वो फिर किस तरीके से काम करेंगे, संभव ही नहीं। मौजूदा राजनीति को आप किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि अब अगर हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा की राजनीति की बात की जाए, श्रुति जी, जेजेपी एक पार्टी अलग से निकल कर आई है इनेलो से अलग होने के बाद, अपना कैंडिडेट अमेरिका रिटर्न उन्होंने खड़ा किया है स्वाति यादव को, तो क्या मानती हैं आप? क्योंकि उन्होंने तो ये तक बोला है कि मैं अमेरिका के बेस पर देखना चाहती हूँ यहाँ पर पूरे भिवानी को और महेंद्रगढ़ को। अब ऐसे में सवाल ये कि चौधरी बंसीलाल, उनके पूरे परिवार, आप श्रुति चौधरी जी, इन्होंने, आप लोगों ने जमीनी स्तर पर जुड़कर काम किया है, अमेरिका रिटर्न अगर कोई कैंडिडेट आता है और ये कहता है कि अमेरिका बनाऊंगा, खुली बहस की चुनौती भी उन्होंने दी है यहाँ पर कि आप बस बहस करिए और हम देखते हैं कि किस में कौन किसका रोड मैप ज्यादा अच्छा है, उस पर क्या कहेंगी मैम आप? मैं यही कहूंगी कि लोकतंत्र है, सबको, जिसको अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और दावे ठोकने का टाइम है, सारे लंबी लंबी बातें करते हैं, ग्राउंड रियलिटी केवल वो ही लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं जो लोगों के प्रति सच्चाई और ईमानदारी से समर्पित हैं। ये बातें कर करना और लंबी लंबी, ये जैसे बीजेपी ने भी कोई बातों में तो कमी छोड़ी नहीं थी, 15 लाख रुपया से लेके शुरू हुए
और बोला कि किसानों की आमदनी डबल करेंगे जी। तो बातों में तो कोई कमी बीजेपी ने भी नहीं छोड़ी, लेकिन लोगों के आप जाइए, बीजेपी ने केवल प्रचार किया जी। एक चमकीलापन दिखाया कि बहुत कुछ हम करेंगे और बहुत कुछ हो रहा है, और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, श्रुति चौधरी जी से भी लगातार हमारी बातचीत हो रही है, एक और जनसभा को वो अभी संबोधित करेंगी, उसके बाद एक बार फिर से हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके तमाम राजनीतिक करियर में किस तरीके से उतार चढ़ाव भी आए हैं और उनका आगे का दृष्टिकोण भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर क्या है। और चलिए पहले हम जनसभा की ओर रुख करते हैं, श्रुति चौधरी जी अभी जनसभा को संबोधित भी करने जा रही है। कांग्रेस प्रत्याशी श्रुति चौधरी के साथ जैसे जैसे हमारा कारवां आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे साथ कई लोग जुड़ते चले गए, और जिनकी जुबान पर बस एक ही नाम था कि भाई हमको तो श्रुति चौधरी ही बतौर सांसद चाहिए। और तो और, हमने जब स्थानीय महिलाओं से बात की तो उनकी जुबान पर भी बस श्रुति चौधरी का ही नाम था। तो बाडा हल्के के पंचगांव में आज हम हैं, और ये गांव ऐतिहासिक क्यों है इसे भी हम जानेंगे, क्योंकि श्रुति चौधरी के कारवां के साथ हम चल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी इस भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में हैं, और उनके पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहता है उस पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन अब उनकी जनसभा का जो कारवां है वो पंचगांव में आ पहुंचा है। इस गाँव की ऐतिहासिक चीजें जो हमने बड़े बूढ़ों से जानी, उन्होंने कई बातें हमें बताई हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे, और चुनावों को लेकर यहाँ के ग्रामीणों को क्या सोचना है, किस प्रत्याशी को चाहते हैं, इस पर बात करेंगे। ताओ क्या कहना है, ये किस तरीके का ऐतिहासिक गांव है, इसके बारे में जरा हमें बताइए कम शब्दों में। लेकिन इतिहास तो ये है जी, यहाँ हमारा ताऊ थमन शरम जी, ताऊ महताब सिंह जी, उन्हें बहुत ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और ताऊ मनसाराम ने तो अपनी जो जमीन थी वो आज कन्यागुरु चल रहा है, इतिहास की बात है, अपने रोड पर ही है, जूई बाड़ा रोड पर है। और तो मेहताब ने भी अपना बहुत ही वो करया। हाँ, तो मौजूदा स्थिति की अगर राजनीति अगर बात की जाए, क्या कुछ आप लोगों को दिक्कतें हैं, क्योंकि आप लोग ग्रामीण हैं यहाँ के, और लोकसभा चुनाव है, चुनावी मौसम है, क्या चाहते हैं आप लोग अब? दिक्कत तो जिम्मेदारों का जी, सारी दिक्कत है, दिक्कत से यहाँ सिस्टम नहीं है, मंडी के अंदर हम गेहूँ वो सिस्टम बेचने जाते हैं तो सिस्टम इतना है, वो उठा नहीं होता, उठा ना होने की वजह से मंडी में भारी अनाज। कैंडिडेट कैसा होना चाहिए आप लोगों का, आप लोगों से मेरा सवाल है, कैंडिडेट कैसा हो आप लोगों का? कैंडिडेट हाँ, कैंडिडेट एक कैंडिडेट होगा ना, जब ही बात बनेगी जी, चाहे कोई भी हो वो। कैंडिडेट जो पब्लिक की थोड़ी बहुत भलाई सोचता है, और उस भलाई के अंदर नीत तो उसकी वही कर सके। चौधरी बंसीलाल ने काफी काम किया, विकास पुरुष उन्हें कहा जाता था, उनके बेटे स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जी ने, उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया है, उनकी बेटी अब इस बार इलेक्शन में खड़ी है, कांग्रेस की तरफ से हैं श्रुति चौधरी जी, वो आप लोगों के इस गांव में आने वाली है, जनसभा वो कर रही है, अब आप लोग क्या चाहते हैं, कौन सा कैंडिडेट आप लोगों को पसंद है? श्रुति कैंडिडेट चाहते हैं चौधरी बंसीलाल ने बहुत काम किया, जितना काम बंसीलाल ने करे कर नहीं सके कोई आदमी, नहर का, बिजली का, सड़क का, बहुत ज्यादा, और ये तो बैरिस्टर आप लोग सत्ता के सौदागर और जुमलेबाज सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को तो धरातल पर खड़ा कर दिया, किसान तो बिल्कुल कोई ना तो मंडियों में बिक्री है, ना कोई भाव है, ना किसान की दुगुनी करने का बात है, 15 लाख का वादा था इनका, सारे जुमले साबित हो रहे हैं इनके। क्या कहना है, क्या कहना है आप? मंडी के अंदर अनाज लेके जाते हैं ने, उनको ये पूछने वाला नहीं कि तू यहाँ गिर दे, और ये तोल है, दो दो तीन दिन ने पड़ा रहे, कोई तोला नहीं। महिलाओं का अधिकार गांव में भी उतना होता, साफ सफाई होनी चाहिए, बंसीलाल ने जो बिजली पानी सबके सुविधा करी, सुरेंद्र ने करी, और उसके बाद कोई विकास नहीं हो रहा। 2014 में तो हार गई थी श्रुति चौधरी जी, तो उसके बाद धर्मवीर सिंह बने थे 2014 में, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया जी, आए नहीं, कुछ काम नहीं किया, सांसद साहब कभी नहीं आए। तो अब आप लोगों, आप लोग चाहते हैं कि अब हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कि विकास के काम करे, और वो विकास का काम कौन करेगा? श्रुति। मौसम चुनावी था और पारा भी चढ़ा हुआ था, लेकिन श्रुति चौधरी नॉन स्टॉप जाकर गाँव के लोगों से, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद उन्होंने लिया, और वहीं श्रुति जहां जहां जा रही थी
वहां गांव के लोग श्रुति को पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी कर रहे थे। तो श्रुति चौधरी अभी आपको बता दें कि मौत गांव में है और बस उनका कारवां जो है अब वो निकल रहा है। हम भी उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। पूरे दिन उनका किस तरीके का शेड्यूल रहने वाला है वो हम अभी जानेंगे और बस अभी जनसभा को संबोधित करके निकल रही हैं। आगे और भी उनके साथ बातचीत होगी, वो भी हम आपको वो बातचीत जो है वो सुनाएंगे। तो चलिए इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं। फसल की सिंचाई करके 29 नवंबर को दिल्ली में पूरे देश के किसानों ने रहा है और हम देख रहे हैं क्योंकि लोगों से कार्यकर्ताओं से आप घिरी हुई हैं और काफी बिजी शेड्यूल है मैम। तो अब आगे आप आगे कारवां आप लोगों का चल रहा है, अब नेक्स्ट पड़ाव कौन सा रहने वाला है? अब बाडड़ा के ही गाँव है और सारे जैसे आपने देखा है कि कितना यहाँ पे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो गांव गांव में अभी मैं जा रही हूँ, फिर आगे जाके बहल निकलूंगी इसके बाद। कितना कितना उत्साह यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं हर कोई इतने क्योंकि काफी गर्म मौसम हो रखा है, धूप काफी सर पर है, लेकिन लोगों को लोग आपको सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो रखे। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को बीजेपी के राज में और बहुत झूठे वादे आपने जैसे देखा है कि झूठ पे झूठ बोला है, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात करी हो, बच्चों को कहा गया था कि 12वीं पास को 6,000 रुपया दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता और ग्रेजुएट्स को जो बीए पास है उनको 9,000 दिया जाएगा, 15 लाख आएंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होएगी, किसानों का जो जो आमदनी है वो डबल होएगी। तो ये सारी लोग अब बहुत इस झूठ से दिल टूट चुका है और गांव गांव में लोग तैयार हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं और एक बार फिर वही इतिहास दोहराया जाएगा 2009 का। देखिए निश्चित रूप से लोग साथ हैं और जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, पगड़ी पहना के सम्मानित किया जा रहा है। वो दौर याद आ रहा है जब बंसीलाल जी ने, स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी ने आपके सर पर पगड़ी पहना के वो जो राजनीतिक विरासत थी आपके सर पे रखी थी, जिम्मेदारी आपके सर पे रखी थी बहुत ज्यादा। अब आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ने वाली है इस बार भी? जिम्मेदारी तो है ही और लोगों का, इतने सारे लोग जब आशीर्वाद देते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, गंभीरता से हमेशा उस जिम्मेदारी का एहसास रहता है और उस पे काम करने की कोशिश। चलिए मैम आपके इस कारवां के साथ हम भी चल रहे हैं आगे और आगे क्या कुछ होता है क्योंकि काफी मुश्किल यहाँ पर हो जाता होगा। आपका लंच जो है वो कब होता है ये भी हम जरूर यहाँ पर आपके साथ जानना चाहेंगे क्योंकि बिजी शेड्यूल में आप कहीं रुके लंच करती हैं या फिर आप सिर्फ गाड़ी में ही बस खाना हो जाता है सब कुछ? अलग अलग बात है, कभी कभी गाड़ी में ही बैठ के एक रोटी ले लेती हूँ, कभी किसी के साथ हम सारे जो काफले में होते हैं सारे इकट्ठे। चलिए मैम तो फिर आप ही के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एक बार फिर श्रुति चौधरी के साथ हमारा भी ये सफर आगे बढ़ता चला गया जिस दौरान हमसे बातचीत में प्रदेश की राजनीति से लेकर कई मुद्दों पर श्रुति चौधरी ने हमसे बातचीत की। तो चलिए जैसे कि सफर आगे बढ़ता जा रहा है क्योंकि काफी बिजी शेड्यूल है और लोगों से मुलाकात कर रही हैं श्रुति चौधरी जी और तमाम जो बातें हैं वो भी अब अधूरी ना रह जाए इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बहुत सारी बातचीत जो है उनके सफर के दौरान करें। श्रुति जी क्योंकि लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा है, लोगों की बातें हैं जो शायद उनके मन में दबी रह गई थी, ये 5 साल काफ़ी लंबा वक्त बीत गया, अब आप उनके बीच भी एक और आप जाती रहती हैं वैसे, लेकिन इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं जो आप लोग उठा रहे हैं जनता के बीच कि आप अगर आए तो आप इन्हें पूरा करके रखेंगे? सबसे पहले हर एक वर्ग परेशान है इस सरकार में क्योंकि इलेक्शन के दौरान खूब बड़े बड़े चमकीले वादे करे थे बीजेपी ने और किसी, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो जब भी मैंने जैसे आपको बताया कि बेरोजगारी भत्ता की बात हो, चाहे वो अपने हलके की और मांगों की बात हो, तो इन्होंने किसी चीज़ पे गौर नहीं किया और सांसद भी जैसे आपको पता है कि उनका क्या यहाँ पे रवैया रहा। तो आगे जाने समय में, आज आगे के समय में बहुत काम की यहाँ पे ज़रूरत है और हर एक चीज़, चाहे आपकी नहर की बात हो, यहाँ पे
दिक्कत बहुत है क्योंकि ये हमारा दक्षिण हरियाणा है और यहाँ पे पानी की आज के दिन बहुत बड़ी चुनौती है। तो यहाँ पे हमको पानी की सख्त ज़रूरत है, तो उसके ऊपर काम करना है, पानी की पूर्ति करनी है और सारी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ताकि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं लोगों के पास हों। श्रुति जी, हम देख रहे थे आप जिन जिन गांवों में जा रही थी पगड़ी पहनाकर आपका सम्मान किया जा रहा था, इसकी खास विशेषता हम जानना चाहेंगे, आखिर क्या इसके पीछे कुछ खास है, क्योंकि पगड़ी सम्मान के तौर पर इसे देखा जाता है, तो क्या इसके पीछे का राज है? चौधरी बंसीलाल जी ने मेरे पिता के वक्त पे ये एक मेरे सर पे पगड़ी विरासत की रखी थी और जब से हमेशा जब मैं गांव में जाती हूं तो बहुत प्रेम से लगाव से बड़े बुज़ुर्ग आते हैं और पगड़ी मुझे पहनाते हैं और ये पगड़ी एक सिंबल है, एक प्रतीक है इज़्ज़त मान सम्मान की और जब ये आप इसको पहनते हो, जब आपको पहनाई जाती है तो ये एक बहुत इससे बड़ी इज़्ज़त नहीं हो सकती और फिर मान सम्मान की बात आती है कि आप पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी उनके प्रति हमेशा निभाएंगे। श्रुति जी, हालांकि कई बात ऐसे आती हैं कि कई ऐसे सपने स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी ने देखे होंगे, आपके पिता ने भी देखे, क्योंकि कई लोग होते हैं जिन्हें बुक्स पढ़ना, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, हॉबी क्या है आपकी? ये सारी चीज़ें, हाँ, मेरे को बुक्स का बहुत शौक है, मुझे म्यूजिक का शौक है और मैं ये सारी चीज़ें लाइक रीडिंग और म्यूज़िक प्लस मैं पियानो भी बजाती हूँ तो जब भी टाइम मिलता है तो ये चीज़ें। चुनौती आप किसे यहाँ पर मानती हैं, क्योंकि कई प्रत्याशी अभी मैदान में हैं, बीजेपी की तरफ से धर्मवीर सिंह हैं, जेजेपी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की तरफ से स्वाति यादव है, कई ऐसे प्रत्याशी हैं, लेकिन आपका कॉम्पिटिशन आप किससे मानती हैं? मेरा कंपटीशन बीजेपी से है जी। मोदी जी किसानों के खाते में पैसे पहुंचाने की बात कर रहे हैं मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा लेकिन आज के दिन लोग और भी परेशान हैं। कर्जा माफ करने की बात यहां पर चल रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव हुए, हमने देखा राहुल गांधी ने जो वादा किया उसे पूरा किया, जहां पे जीत मिली है, यहां पर क्या कुछ ऐसा किसानों के लिए यहां पर कुछ आप करने की आपकी सोच? यहाँ पे भी किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा जी। अलग बजट, जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अलग बजट होगा किसानों के लिए और जितनी भी जो नीतियाँ हैं वो बिल्कुल किसान संबंधित जितनी भी नीतियाँ हैं वो किसान के हित में कि सारा किसान और मजबूत हो, उस प्रकार से कांग्रेस पार्टी काम करेगी। तो ऐसे में अब श्रुति चौधरी का एक शब्द में अगर डिफाइन यहाँ पर किया जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों का व्यक्तित्व होता है लोगों से जुड़ने का, लेकिन आप अपने को डिफाइन करेंगी तो किस तरीके से, एक वर्ड के साथ आप करेंगी कि आप ये हैं और ये आप कहती हैं, तो बस ये आप, ये वर्ड आपको डिफाइन करता है? मैं अपने आप को डिफाइन करूंगी या दूसरे डिफाइन करेंगे आपके काम को, मैम आपके काम को देखकर तो लोगों का यही कहना है कि हमें तो श्रुति चौधरी जी चाहिए इस बार, लेकिन आप अपने आप को किस तरीके से डिफाइन करें? मैंने हरदम, जैसे मैंने कहा कि एक मेरी हमेशा अप्रोच ईमानदारी की रही है कि ईमानदारी से काम लोगों का करना है और आगे बढ़ाना है। चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने जो काम प्रगति और विकास के उन्होंने करे थे उसको आगे बढ़ाना है। चलिए, बिल्कुल आपके कारवां के साथ हम चले हैं श्रुति चौधरी जी, और हमारी शुभकामनाएं भी आपको हैं कि आप जिस उद्देश्य के साथ जनता के बीच में जा रही हैं उस उद्देश्य को आप पूरा करें और जीत का आपने दावा किया है, निश्चित तौर पर जनता आपको जो वोट हैं वो पूरे विश्वास के साथ यहाँ पर दे। आपने हमें समय दिया है, आपके इस जनसभा में हम भी आगे ज़रूर हिस्सेदार यहाँ पर बनेंगे, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण हमें समय, कीमती समय आपने दिया, अपना दिन का पूरा शेड्यूल क्या कुछ रहता है उसके बारे में बताया और आपकी पर्सनल लाइफ जिस तरीके से रही है बतौर पॉलिटिशियन उसके बारे में आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ, हमारी इस खास बातचीत में हमारा साथ देने के लिए और खुलकर आपने जो अपने एजेंडे हैं उन्हें यहाँ पर जनता के बीच रखा है, जनता टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम।
तो चलिए आज के इस हमारे खास कार्यक्रम चले नेताजी वोट मांगने में हमने ये तमाम बातें श्रुति चौधरी जी के बारे में यहाँ पर जानी और श्रुति चौधरी जी किस तरीके से अपनी ये राजनीतिक विरासत जो कि उन्हें मिली है उसे किस तरीके से आगे बढ़ाती हैं ये भी हमने जाना। साथ ही साथ हम ये भी यहाँ जानेंगे कि अगले एपिसोड में भी आपको यहाँ पर बताएंगे एक और शख्सियत से ऐसे कैंडिडेट से आपको मिलाएंगे कि आखिर उसके क्या कुछ एजेंडे हैं। तो चले नेता वोट मांगने कार्यक्रम में आज के इस एपिसोड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम ताजा अपडेट तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप लोग चाहते हैं कि अब हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कि विकास के काम करे। श्रुति, हर एक वर्ग परेशान है इस सरकार में। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।